प्यारे बच्चों, अपना आज का अपना पाठ है दो, हिंदी विषय का। पाठ दो का नाम है सच्ची तीर्थ यात्रा। यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है, कहानीकार है, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है वो है, उनका नाम है सुदर्शन। क्या नाम है उनका? सुदर्शन। इस कहानी के अंदर बताया गया है कि सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है। इसके अंदर बताया कि सच्ची तीर्थ यात्रा वो नहीं है जो मनुष्य तीर्थों पर यात्रा करने के लिए जाते हैं, अलग अलग तरह के भगवानों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। इस कहानी में बताया है कि सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों के ऊपर उपकार करना और किसी दूसरे को मुसीबत से निकालने के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना और किसी के चेहरे पर हंसी खुशी लाने का प्रयास करना। जिस व्यक्ति के अंदर यह आदर्श भावना होती है, किसी को, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को प्रेम करने की क्षमता हो सकती है, उसी को क्या कहा गया है इस पाठ में? सच्ची तीर्थ यात्रा कहा गया है। ये एक कहानी है। इस कहानी को मैं रीडिंग नहीं करके आपको इस कहानी का सारांश बता दूंगी और इस कहानी की रीडिंग फिर आपको स्वयं लगानी है, इसको खुद पढ़ना है। इस कहानी में क्या क्या आया है वो मैं आपको बता दूंगी और इसके अंदर ये जो कहानी है इसके अंदर एक महिला के ऊपर है ये कहानी। उस महिला का नाम है लाजवंती, ठीक है। वो जो महिला थी, उस महिला के कई सारे पुत्र हुए। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लाजवंती के यहाँ कई पुत्र हुए, बहुत सारे पुत्र हुए, लेकिन वो उनका निधन होता गया, वो मृत्यु के प्राप्त होते चले गए। और अब आप सभी जानते हैं कि जब माँ की आंखों के आगे से जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो एक उसका आखिरी पुत्र बचा था, उसका नाम था हेमराज। क्या नाम था उसका? हेमराज। उसके जीवन का वो आखिरी सहारा था। वो उसको सामने देख करके अपने पहले वाले बच्चों की मौत को भूल जाती थी। भूलती तो क्या थी, मतलब उसको दिलासा मिल जाती थी कि हाँ, एक अभी मेरे सामने ही है, ठीक है। तो उसको हमेशा उसकी इतनी चिंता लगी रहती थी कि वो उसको कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी और उसको लोगों की नज़रों से छिपा छिपा करके रखती थी कि कहीं दूसरों की इसको नज़र नहीं लग जाए। और जब कभी वो बच्चा अगर बाहर निकल भी जाता तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी। फिर बाद में क्या हुआ, एक दिन जिस चीज़ का उसको डर था वही हुआ। उसके बेटे ने उसको जोर से आवाज़ लगा के पुकारा, माँ। वो दूर से दौड़ती हुई आई और पास आकर के उसको देखा तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और ये मौसम चल रहा था जिसमें वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। और इसी समय पर उसका जो पहला पुत्र है उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसे क्या करने, उसके मन में उसको डर लगने लग गया कि मेरा पुत्र भी इसी तरह से बीमार हुआ था, पहला पुत्र, और उसकी भी मृत्यु हो गई थी। उस समय भी यही कुछ समय चल रहा था उस टाइम भी। फिर क्या हुआ, वो जाकर के एक वैद्य को बुला के लाई। वैद्य का नाम क्या था? दुर्गादास, ठीक है। वो वैद्य को बुलाने चली गई। उसके बाद में क्या हुआ, वैद्य ने उसको धीरे धीरे दवाई दे दी। अब डॉक्टर अगर दवाई देता है तो डॉक्टर यही बोलता है, चिंता ही कोई बात नहीं है, पहले दवाइयाँ दे करके देखो। तो उसने उसको दवाई दे दी। फिर
क्या हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर उसके बाद में जब वैद्य घर पे आया था तो लाजवंती ने उसको फीस भी दी थी। अब वो बिल्कुल गरीब थी और उसका पति बाहर नौकरी करता था, नौकर बाहर था, मतलब बाहर नौकरी करता था कहीं पर, तो उसके पास देने के लिए उसको फीस नहीं थी, तो उसने उसको फीस में केवल एक अठन्नी दी। ठीक है, इतना काम हो गया। उसको दवाइयाँ भी देती गई लेकिन हेमराज का बुखार नहीं उतरा। फिर अब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर की दवाई लेते हैं, डॉक्टर की दवाई से अगर हमारा फ़र्क नहीं आता है, डॉक्टर क्या करता है, दवाई चेंज करके देता है, हमें दूसरी बदल के देता है। तो वही काम क्या किया, वैद्य ने किया। वैद्य ने भी अपनी बहुत सारी दवाइयाँ बदली लेकिन किसी भी दवाई का असर उसके ऊपर नहीं हुआ। फिर लाजवंती ने वैद्य से पूछा कि वैद्य जी बात क्या है, इतने दिन हो गए और ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो वैद्य ने उसको कहा कि ये एक मियादी बुखार है। मियादी बुखार क्या होता है, जो एक निश्चित अवधि तक रहता है और वो उसके बाद में ठीक होने लगता है, जैसे टाइफाइड वगैरह एक महीने तक चलते रहते हैं, वैसे ही वो कोई मियादी बुखार था जिसकी एक निश्चित अवधि थी। उसकी निश्चित अवधि थी 21 दिन। फिर क्या हुआ, और लाजवंती ने पूछा कि इसका ये बुखार कब उतरेगा, तो उसने कहा 21वें दिन से उतरना स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं उतरेगा, उससे पहले आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, लाजवंती घबरा गई और धीरे धीरे करके 11 दिन तो निकल गए, और फिर सोची कि अब 10 दिन और बचे हैं, लेकिन उसके कोई भी उसके फर्क नहीं आया। फिर लाजवंती का माथा ठनका, मतलब उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लग गए, और उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि कोई अंदेशा तो नहीं है। अंदेशा का मतलब क्या होता है, मतलब कोई संकेत तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो है ना, उसने उस वैद्य से पूछा। तो वैद्य ने बोला कि देखो, बुखार बहुत सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। उनके पिताजी बाहर काम करते थे, तो उस वैद्य ने कहा कि आप मेरी बात मानो तो इसके पिता को बुलवा लो। ठीक है, उसके पिता का नाम था रामलाल, जो लाजवंती का पति है उसके पिता का नाम क्या है, रामलाल है, और वो मुल्तान में नौकर था। मुल्तान एक जगह का नाम है, वो वहाँ पर नौकरी करता था। अब उस समय फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो उसने एक तार भेजा, तार बोलते हैं छोटे से किसी पत्र को, तार भेजा ईमेल, और वो तार उसके पास जाके तीसरे दिन पहुँचा, फिर वो आया। ठीक है, फिर लाजवंती और रामलाल दोनों क्या करें, बेटे की हालत को देख करके घबरा गए, क्योंकि 11-15 दिन निकल चुके थे और उसका जो बुखार था उसकी हालत वैसी की वैसी थी, उसमें कोई सुधार नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके 21वां दिन भी आ गया। कौन सा दिन आ गया, 21वां दिन आ गया, लेकिन हेम की तबीयत, हेम कौन है, वो हेमराज ही है, वो बच्चा ही है, उसकी तबीयत अभी भी वैसी की वैसी ही थी। तो वैद्य ने कहा कि आज इसका बहुत ध्यान रखना, इसके आज बुखार उतरेगा। लेकिन लाजवंती क्या घबरा गई और वो एक मंदिर में गई। मंदिर में जाकर के वो बहुत रोने लगी देवी के सामने। जब इंसान जब हार जाता है, जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तो हर इंसान का यह स्वभाव होता है कि वो लास्ट में थक हार करके वो ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाता है। सेम वही कंडीशन, वही हालत लाजवंती की थी। लाजवंती को भी जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब वह मंदिर जाकर के देवी के सामने गिर करके रोने लगी। उसके बाद में क्या हुआ, रोते रोते वो थक गई, फिर वो उठी, तब रोने के बाद में उसके मन में थोड़ी शांति थी। फिर उसको ऐसा आभास हुआ कि जैसे मेरे मन से ये बोझ उतर जाएगा, मतलब मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। उसने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की, और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से बोली, मतलब रोते रोते बोली, पूरे प्रेम भाव से वो बोली कि हे माता, मेरे हेम को बचा लो, मैं तुम्हारी तीर्थ यात्रा करूँगी। उसने मान्यता मांग ली
ठीक है। फिर क्या हुआ, मान्यता मांग के वो घर पहुंची तो घर पे उसको एक अच्छा समाचार मिला, उसके पुत्र की हालत ठीक होती गई। उसके पुत्र का बुखार उतार खाने लगा, उतार आया उसके बुखार में। फिर क्या हुआ, उसने अपने पति को बताया कि मैंने मान्यता दी है, मान्यता मानी है मैंने, मैं कोई तीर्थ यात्रा पे जाना है। उसने कहा ठीक है। फिर जो वैद्य था, वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और उसके पति से कहा, क्या कहा, कि यह इस जमाने की दूसरी सावित्री है। दूसरी सावित्री कैसे है, जिस प्रकार सावित्री ने मौत के मुंह से अपने पति को निकाला था, उसी प्रकार इसने भी क्या किया है, मौत के मुंह से अपने पुत्र को निकाला है। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। उसके बाद में जब रामलाल नौकरी पे चला गया तो वो उसको 200 रुपये दे के गया तीर्थ यात्रा करने के लिए। ठीक है, अब वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलने ही वाली थी, बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही थी, खाने पीने का सामान जमा रही थी और सब कुछ पैकिंग पे वो पूरा ध्यान दे रही थी। फिर वो जैसे ही निकलने वाली थी, उसको किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। वो छत पर गई और पड़ोसन की छत के आंगन में उसने झुक करके देखा तो हरो, हरो एक महिला का नाम है, वो महिला वहाँ पे रो रही थी। तो बोलती है माँ हरो, तो फिर उसकी आवाज़ आई, किसकी आवाज़ आई, हरो की आवाज़ आई। उसने बोला कौन है, लाजवंती है। तो वो फिर क्या करी, वो नीचे चली गई। ठीक है, उसने उसके रोने का कारण पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने बताया कि मेरी पुत्री बड़ी हो गई है, अब मेरे पास तो सब कुछ, उसकी शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, उसको कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है। उसने बताया कि मुझे कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, बहुत बड़ी हो चुकी है, अब मुझे इसकी शादी करनी है और गरीबी इतनी ज़्यादा है कि मैं इसकी शादी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मैंने इसके लिए गहने जेवर वगैरह कपड़े वगैरह सब खरीद लिए, लेकिन मेरे पास बारातियों को खिला भोजन कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसने क्या कहा, देखो इधर, मिठाई का प्रबंध नहीं किया, मतलब उसके पास मिठाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर क्या होता है, लाजवंती कहती कि गांव के लोग मिलकर के एक बेटी की शादी कर देंगे, क्योंकि ये तुम्हारी अकेले की बेटी तो है नहीं, पूरी गांव की बेटी है। तो उसने कहा कि ऐसा आजकल के ज़माने में कोई नहीं करता, दूसरों के बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता। तो उसने लाजवंती ने पूछा, तो फिर अब तुम अब क्या करोगी, तो उसने कहा कुछ भी नहीं करूँगी, कुंवारी कन्या को लेकर के बैठी रहूँगी जब तक मेरा बस है, और फिर भी अगर बस नहीं चला, मैं हार गई, यहाँ के लोग अगर मुझे ताने मारने लग गए तो मैं क्या करूँगी, इसको दूसरी जगह लेकर के चली जाऊँगी। ठीक है, फिर लाजवंती ने हरो की बात सुन करके उसकी आँखों में आंसू आ गए और उसने उसके पास जो 200 रुपये रखे थे उसने उसको ला करके दे दिए, मतलब उसने जो तीर्थ यात्रा जो मन्नत के जो पैसे रखे थे उसने उसको ला करके दे दिए और कहा कि यह केवल अकेली तुम्हारी ही बेटी नहीं है, यह मेरी भी बेटी है, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी, तेरी बेटी का ब्याह होगा और भारत के लोगों को भोजन भी मिलेगा क्योंकि ये मेरी भी बेटी है। और उसने ऐसा कह करके उसने उसको पैसे ला करके दे दिए। ठीक है, अब जब उसने उसको पैसे ला करके दे दिए 200 रुपये, तो वो तीर्थ यात्रा किससे जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे। तो उसके मन में ये विचार आया कि हरिद्वार मथुरा वृंदावन के मंदिरों में अपन जाएं, घूमें, वहाँ पे परिक्रमा दें, तो इससे क्या हमारा भगवान खुश हो जाएगा। हमारा भगवान किस चीज़ से खुश होगा, जब हम किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दे सकें। और वो समझ गई कि सच्चा सुख किस में है, त्याग में ही सच्चा सुख है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी सुख सुविधा को त्याग करके जहाँ पर ज़रूरत हो उस सामने वाले की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है, मानव सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। इस कहानी का यही संदेश है, यही इसकी शिक्षा है कि सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है, एक मानव दूसरे मानव की सेवा करे और हो सके तो सभी को क्या करें, खुश रखे, सामने वाले के चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता ला सके। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको इस कहानी की रीडिंग करनी है,
और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर दीजिएगा। अब अपन इसके देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर को एक बार ओरल समझ लेते हैं, उसके बाद में कॉपी में आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब अपन इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न उत्तर, क्योंकि ये बाद में आपको अपने आप करना है। हेमराज और लाजवंती के बीच क्या संबंध था? लाजवंती कौन था? एक उसका पुत्र था हेमराज, लाजवंती उसकी माँ थी, हेमराज उसका पुत्र था, तो उन दोनों के बीच में क्या संबंध था? माता और पुत्र का संबंध था। लाजवंती का कौन सा पुत्र उसके जीवन का सहारा था? लाजवंत, आपने कहानी में सुन पढ़ा कि लाजवंती के बहुत सारे पुत्र हुए, लेकिन एक आखिरी पुत्र ही उसका बचा था, और उसका आखिरी पुत्र ही क्या था? उसका वो सहारा था। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा? लाजवंती का आखिरी पुत्र ही उसके जीवन का सहारा था। गांव के वैद्य का क्या नाम था? क्या नाम था गांव के वैद्य का? दुर्गादास। क्या नाम था? दुर्गादास। हेमराज का बुखार किस दिन से उतरना शुरू हुआ? 21वें दिन से, क्योंकि उसकी अवधि क्या थी? 21 दिन थी। लाजवंती ने वैद्य को पहली बार में कितनी फीस दी? 98 दी थी सिर्फ। आगे आता है, संक्षेप में लिखिए, लाजवंती अपने पुत्र को लेकर के चिंतित क्यों रहती थी? आपने कहानी पढ़ी, कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि लाजवंती के चिंता का कारण क्या था। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे? लाजवंती अपने पुत्र को लेकर के चिंतित रहती थी क्योंकि वह अपने सारे पुत्रों को खो चुकी थी और अब हेमराज को वो खोना नहीं चाहती थी। पुत्र के बीमार पड़ने पर लाजवंती क्यों डर गई? क्यों डर गई पुत्र के बीमार पड़ने पर? क्योंकि इसी तरह से बीमार होकर के उसके सबसे पहले पुत्र की मृत्यु हुई थी, तो उसके मन में ये डर बैठ गया कि कहीं मेरे इस पुत्र की भी ये मृत्यु नहीं हो जाए। इसके उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लग गए। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे? पुत्र के बीमार पड़ने पर लाजवंती डर गई क्योंकि उनके पहले पुत्र की मृत्यु बीमार पड़ने से हुई थी। अब आगे आता है, पुत्र के बीमार पड़ने पर लाजवंती ने सर्वप्रथम क्या किया? सर्वप्रथम लाजवंती ने क्या किया? पुत्र के बीमार पड़ने पर सर्वप्रथम लाजवंती वैद्य के पास गई, ठीक है। उसने वैद्य से ही इलाज करवाना शुरू किया था, मंदिर वो बाद में गई थी। उसके बाद में आता है, हेमराज के पिता को क्यों बुलवाया गया? क्यों बुलवाया गया हेमराज के पिता को? इसके अंदर तो उत्तर बहुत बड़ा है कि आपने इसके पिता को बुलवा लीजिए, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अपन इस तरह की भाषा में नहीं लिख करके अपन इसको सीधी सादी सरल भाषा में लिखेंगे, हेमराज के पिता को बुलवाया गया क्योंकि उसका पुत्र ज़्यादा बीमार था। अब आगे अपना प्रश्न उत्तर आते हैं, विस्तार से लिखिए, मतलब पूरी डिटेल में। लाजवंती ने अपने पुत्र को बुरी नज़र से बचाने के लिए क्या क्या करती थी? क्या क्या करती थी वो अपने पुत्र को बुरी नज़र से बचाने के लिए? सबसे पहले तो वो उसे सबसे छिपा करके रखती थी, क्योंकि अगर अपन सबसे छिपा के रखेंगे किसी की नज़र ही नहीं पड़ेगी, नज़र नहीं पड़ेगी तो नज़र लगने का तो सवाल ही नहीं है। तो वो अपने पुत्र को सबकी नज़रों से छिपा करके रखती थी, उसे कहीं पर भी बाहर नहीं जाने देती थी, और अगर वो बाहर निकल भी जाता था तो उसको ढूंढने लग जाती थी। आगे आता है, अपने पुत्र की बीमारी ठीक करने के लिए लाजवंती ने क्या किया? क्या किया लाजवंती ने अपने पुत्र की बीमारी ठीक करने के लिए? उसके वैद्य की दवाई से कोई आराम नहीं आया, फिर उसने क्या किया? वो मंदिर में गई, माता के चरणों में गिर करके रोने लगी, फिर थक हार करके बाद में उनकी पूजा की, अर्चना की, उनको फूल चढ़ाए, उनकी आरती उतारी, मंदिर की परिक्रमा की। फिर अंत में उसने कहा कि हे माता रानी, मेरा पुत्र ठीक हो जाए तो मैं आपकी परिक्रमा करूँगी, आपके तीर्थ यात्रा करूँगी, मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊँगी। तो उसने तीर्थ यात्रा की मान्यता बोली। वैद्य ने लाजवंती को दूसरी सावित्री क्यों कहा है? ये मैंने आपको कहानी समझाई थी जब भी बताया था कि वैद्य ने लाजवंती को दूसरी सावित्री क्यों कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि
जिस प्रकार सावित्री अपने पति को मृत्यु के मुंह से निकाल लाई थी, उसी प्रकार लाजवंती भी अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाल लाई। किसी की सिसकी भरने की आवाज़ सुनकर लाजवंती ने क्या किया, क्या किया लाजवंती ने? जब उसने रोने की सिसकी सुनी, वो तीर जाने की तैयारी करी, तभी एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी उसे, तब लाजवंती ने क्या किया? लाजवंती छत पर गई और झुक कर के पड़ोसी के आंगन में देखने लगी और वहाँ पर उसने आवाज़ लगाई। तो इसका आंसर यही रहेगा। आगे आता है, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। ये वाला प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करना है, बाकी वैसे लाइन आप समझ सकते हैं कि अच्छा किया, रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। अब रुपया हाथ का मैल कैसे है, कैसे नहीं है, हमें लोगों के सहायता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस तरह के आप अपने विचारों को इसमें प्रकट करेंगे और इस लाइन की व्याख्या करेंगे। सच्चा सुख त्याग में ही है, त्याग में सच्चा सुख कैसे है? अपन कोई चीज़ त्याग देंगे तो अपने पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर भी अपने पास कुछ नहीं होकर के भी हमें सुख प्राप्त होगा, वो कैसे होगा? तो इसकी व्याख्या आप अपने आप करेंगे। लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में नहीं था। लाजवंती को इसकी इतनी चिंता नहीं थी कि दिन रात उसको छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। तो वो लाजवंती ऐसा अपने पुत्र के साथ इस तरह से क्यों करती थी, ये आपको पूरी कहानी के माध्यम से समझ में आ गया होगा। आपने पूरी कहानी ध्यान से सुनी होगी और नहीं सुनी है तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। तो इस लाइन की व्याख्या भी आप अपने आप करेंगे, समझेंगे, लेकिन ये वाला प्रश्न कॉपी में नहीं करना है। आगे आता है, किसने किससे कहा, ये एक एक लाइन है, ये लाइन किसने कही है और किसको कही है आपको बताना है। क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी लाजवंती ने। किसको कही थी, हेमराज को कही थी। एक माँ ने अपने पुत्र को कही थी जब पुत्र ने उसको आवाज़ लगाई थी, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जब माँ आ गई, माँ ने पूछा क्या है, क्यों चिल्ला रहा है, घबरा क्यों रहा है, तो उसने बताया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। किसने बताया, पुत्र ने अपनी माँ को बताया, हेमराज ने लाजवंती को बताया। तो यहाँ पे आएगा हेमराज, यहाँ पे आएगा लाजवंती। लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, ये बात किसने कही थी, रामलाल ने लाजवंती को कही थी। रामलाल कौन है, लाजवंती का पति है। मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ, ये बात किसने कही थी, दुर्गा दास ने कही थी लाजवंती को। फिर आगे आते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हेमराज किसका पुत्र था, लाजवंती, इसका आंसर आएगा। आगे अपना आता है, लाजवंती के पुत्र का क्या नाम था, क्या नाम था लाजवंती के पुत्र का, हेमराज, इसका आंसर है हेमराज। रामलाल कहाँ पर नौकरी करता था, मुल्तान में। लाजवंती ने हरों की मदद कितने रुपए देकर की, 200 रुपए देकर। अब अपना ये व्याकरण बोध का है, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्वेश्चन आंसर हो गए और चैप्टर की रीडिंग हो गई, सारांश हो गया।